वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट है, आपको मैं छोटा सा टूर दिखाती हूँ अपने ऑफिस का, और आई होप आपको भी अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा। और आप लोग भी जहाँ भी रहते हैं कहीं भी, तो कोशिश कीजिए कि आप लोग भी अपने आसपास एक पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, क्योंकि क्या होता है कि जब हम मरते हैं तो हमारी वजह से एक पेड़ कटता है, क्योंकि जब हमें जलाया जाता है तो वो लकड़ियों से जलाया जाता है। तो एटलीस्ट जब तक हम जिंदा हैं पेड़ लगाएं, ताकि हमारे जाने के बाद अगर एक पेड़ रहता है मर जाता है हमारी वजह से, तो हमारे वजह से जो जी रहे हैं वो तो खुश रहेंगे। तो आप लोगों से मेरी नम्र निवेदन को वो है, प्रार्थना है कि आप अपने आसपास पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, कोशिश करें कुछ पेड़ तो ज़रूर लगाएं। तो दिखाती हूँ मैं एक छोटा सा टूर आपको, और आई होप आपको अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट कीजिएगा। जो मेरे सर हैं वो कितने ही मतलब ग्रीनरी के इतने लवर हैं मेरे सर, और पूरा जो उन्होंने हमारा ऑफिस का एरिया है वो ऐसा बनाया जैसे लगता कि जंगल थीम है, और इतना खूबसूरत इसको डेकोरेट करते हैं, हर जगह पे प्लांट्स ही प्लांट लगे होते हैं। ये तो अभी चेंज हो रहा है जस्ट, तो मुझे मैं भी बाहर आई क्योंकि थोड़ा नज़र रखना पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या कर रहे हैं। तो मैं जस्ट बाहर देखने आई तो मुझे लगा कि जब मैं इतना खूबसूरत नज़ारा देख रही हूँ तो आप लोगों को भी दिखाऊँ कि कितना अच्छा है यहाँ का वो है। तो आओ मैं आपको दिखाती हूँ मेरे ऑफिस का गार्डन एरिया, जो आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि है ही इतना खूबसूरत और इसीलिए मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। कि कहते हैं ना कि जो हम जितना मैक्सिमम ऑफिस आज में होते हैं अच्छी जगह पे अच्छा एनवायरनमेंट होता है, तो ये है, बहुत खुशनुमा माहौल है, बहुत खुशनुमा। और थैंक्स टू मेरे सर जिनकी वजह से हमें ये डेली देखने को मिलता है। और ये देखो इतनी ग्रीनरी है ना, यहाँ पे एक गड्ढा खुद रहा है। ये वाला ऐसा वाला लगाओगे भैया? ऐसा वाला ट्री लगाओगे? ये नहीं, छोटा लगेगा। अच्छा, ये छोटे वाला लगेगा। पूरा गार्डन चेंज कर दिया आपने, ठीक लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये पीछे वो भी रखा हुआ है? अरे क्या बात है, चल रहा है, ये सारे लोग कर रहे हैं हमारे ऑफिस में। इतना अच्छा स्क्रीन रे कर रहे हैं, पूरा पैच बनाना है इसका, क्योंकि जो मेरे सर हैं उनको ग्रीनरी बहुत पसंद है, जैसे मुझे बहुत पसंद है, पर मेरे सर को तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। देखो इस साइड पे भी कितने अच्छे फ्लावर्स लगाए हैं, ऊपर भी हैं। अरे वहाँ भी लगा दिए, मैं तो अभी आके देख रही हूँ, बाहर लगेगा ये सब, ये लगेगा भी यहाँ पे, ऐसा लगेगा जैसे हम लोग जंगल में बैठे हैं। जब विंटर होती है ना तो यहाँ पे सारे सनफ्लावर लगते हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, तो पूरा इतना अच्छा लगता है जैसे हम लोग खेतों में जा रहे हैं, जैसे वो गा रहा है ना, देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, तो उस टाइप वाला फीलिंग आती है। तब यहाँ सारे सनफ्लावर लगे रहते हैं, पर अभी तो समर्स के हिसाब से लगे हैं, विंटर्स में यहाँ पूरा येलो होता है, येलो येलो। तो जी मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी, तो मुझे लगा कल ना जब हम सूट ट्राई कर रहे थे मैं और मेरी सिस्टर्स, तो मुझे खैर मैंने तो ट्राई नहीं किए, बट मुझे लगा कि यार मुझे भी नहीं आएंगे, तो मुझे बड़ा गिल्ट सा फील आया, तो मैंने सोचा मैं भी जोश आ गया कि आपसे वेट लॉस करना है मुझे। मैंने क्या किया जी, गीता को सुबह बोला कि सिर्फ लौकी की सब्जी बनाना, दही रखना और छाछ रखना, रोटी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मोस्टली रोटी से ही थोड़ा सा आता है मतलब अन्न खाने से, तो मैंने सोचा मैं नहीं खाऊंगी, तो मैं सिर्फ छाछ रोट और दही और लौकी की सब्जी पैक कराई और ऑफिस आ गई। लंच टाइम लगा यार, रोटी के बगैर सब्जी कैसे खाऊंगी, फिर पीएन को भेजा, मैंने कहा जाओ कि पराठा लेकर आ, एटलीस्ट एक पराठा तो खाना बनता है। जबकि अब मैंने सोचा है कि मैं कल से जो ना वो रागी आती है हमारे पहाड़ में, उसको मडवे का आटा बोलते हैं, और दो तीन एक पता नहीं कोई दूसरा वाला आटा भी होता है, वो भी ट्राई करूँगी। अब वेट लॉस करना है, वेट लॉस की जर्नी शुरू करनी है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि पतला होना है। ये बुढ़ा कैसा लग रहा है आपको, सुंदर है ना? ये देखो ब्यूटीफुल सी लाइब्रेरी, कभी देखिए आपने इतनी खूबसूरत सी लाइब्रेरी, और आपको लग रहा है ना कि ये बुक्स हैं,
ये बुक्स नहीं है, ये ऐसे बनाया गया है जिससे ऐसा लगता है कि ये जो इस फील्ड में होंगे वो शायद इसको कोरिलेट कर पाएंगे। जो ये अंकल जी है ये जज साहब है, और देखो ये कितना परेशान चल रहा है, और इनके आईब्रोज देखिए, और इसका वो देखिए, मतलब जो ये बना हुआ है ना ये बहुत लाइट वेट होता है, लेकिन इसकी खूबसूरती देखो कि मतलब एक एक जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी उस समय की थिंकिंग है, वो पूरा ऑब्जर्व करके बनाया गया है। और आगे उनके ऑर्डर ऑर्डर वाला भी रखा हुआ है, और दो चार फाइलें भी रखी गई है, पेन भी रखा गया है, और माइक भी है, और पेपर्स है, फाइलें हैं। तो ये बहुत टेंशन में बेचारे बुढ़े जी। ये है बुद्धा जी, एक ही बुद्धा जी बैठे हैं, एक उधर बुद्धा जी बैठे हैं। मैंने आपको आप फ्रेंड का वो दिखाया था, और मैं आपको बैक साइड के प्लांट दिखाती हूँ। देखो ये, देखो ये यहाँ पे पूरा वो बनना है फाउंटेन। ये हमारा शुरू हुआ था कि कोविड से पहले काम शुरू हुआ था, लेकिन कोविड की वजह से बंद हो गया। तो देखो यहाँ पे भी सारे के सारे प्लांट है, इतने सारे प्लांट्स हैं कि देखो यहाँ पे पूरा फाउंटेन लगेगा। अच्छा लगता है कि हम जिनके साथ काम करते हैं और वो वही नेचर है, मतलब उनको भी नेचर बहुत पसंद है, ग्रीनरी, फ्रेश एक्वेरियम वगैरह, मुझे भी बहुत पसंद है। तो थैंक यू मेरे सर को। ये मुझे कुछ कह रहे हैं नहीं, अरे फोटो खींचने से वीडियो बन गई। ये है फाइनल लुक इस साइड का, ये देखो ऊपर देख रहे हो, ऊपर भी प्लांट्स लगे हैं दीवार पे। ये देखो कर गए हैं सेटअप, जब दिन में आई थी तब वो लगा रहे थे। ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखो कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि गीता कौन है, तो जो गीता है उसके बारे में मैंने डिटेल में ब्लॉगिंग में डाला है। तो ये शायद नहीं होगा तो तीसरा या चौथा ब्लॉग होगा जिसमें मैंने पूरा डिटेल में डाला था कि गीता कौन है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरा पीछे वाला ब्लॉग देखिएगा। जो क्वेश्चन है ये शायद गीता वाला, ये कविता ने पूछा है, और मैं थैंक यू करना चाहूँगी डॉली कुमारी का, पूर्वी बजाज का, और मोहम्मद फिरोज़ आलम जी का, जो इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, और वर्षा तिवारी का। तो थैंक यू। ये देखिए ये है फिश टैंक, अभी इसमें फिश थोड़ा कम हो गई है, अभी ये देखो इधर छुपी हैं कबूतर के डर के मारे, इधर छुपी हैं, इधर भी छुपी होंगी नीचे की तरफ। और अभी ये चल नहीं रहा फाउंटेन, यहाँ पे पूरा फाउंटेन चलता है, अभी वो बंद है क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है इस वजह से। अदरवाइज जब ये पूरा हो जाता है तो यहाँ पूरी लाइटिंग होती है, इधर पूरा एरिया में लाइट जलती है और पूरा फाउंटेन चलता है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। और ये देखिए ये भी कुछ कह रहा है, ये भी अभी नया आया, इससे पहले कोई और टाइप का बतख था। तो कितना लंबा है, इसकी टांगे देखो कितनी डंडी जैसी हैं, आओ खूबसूरत का। और जो मेरे ब्लॉग पे आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि उसको पढ़ते नहीं, उसको हम सभी पढ़ते हैं, सिर्फ एक मेरे पापा नहीं पढ़ते, क्योंकि मेरे पापा को अभी आता नहीं कैसे वहाँ पे पढ़ते हैं, मतलब उनको प्रॉपर, अभी मैं करा था उनके मोबाइल पर, उनको ना कमेंट्स का भी आता नहीं है, लेकिन बाकी सभी लोग आप लोग कमेंट्स पढ़ते हैं। इवन हमारी फैमिली में डिस्कशन भी होता है कि उसने ऐसे लिखा, उसने ये लिखा, उसने ये लिखा करके, तो हम सभी आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, और मम्मी तो स्पेशली पढ़ती है, बहन भी पढ़ती है, भाई भी पढ़ते हैं, तो भाभी भी पढ़ती है। तो थैंक यू इतना, वो आप लोग अच्छे अच्छे लगते हैं। तो आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि हम आपके कमेंट्स को नहीं पढ़ रहे हैं, हम हमेशा आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं। और मैं तो पहले तो मैं इतना लाइक वगैरह नहीं करती थी क्योंकि मेरे को आता नहीं था, क्योंकि तब मैं न्यू थी, अब तो मुझे आ गया, तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि आपको लाइक भी करूँ। ये डिमांड में चल रही है, गीता कौन है, गीता कौन है, गीता कौन है, कौन है गीता, ऐसा बोल रहे हैं लोग। गीता जी कुछ प्रकाश डालेंगे आप। ये सुहानी भी आ गई है ट्यूशन से, नन्ना से हेलो, आ गए घर, हेलो। ये देखो इनका ऑफिस चल रहा है अभी, और यहाँ क्या चाहिए दिखाना, डर ये देखो नील पड़ा है तुम्हारे लिए, एक मेडिकल स्टूडेंट है, उसने दवाई बताई है, ऑर्नामेंट बताया और मेडिसिन भी बताई है। पेन है इसमें, हाथ लगाने में दर्द, वैसे तो नहीं है ना। ओके देखो ये ऑफिस चल रहा है इनका फुल ऑन। यार ये आईफोन बड़ा अच्छा है, अंधेरा अंधेरा आ रहा है तो लाइट अपने आप जल गई, देखो कैमरे में
ये क्वालिटी बड़ी सही यार, ये वाला फोन लेना मुझे, मेरे फोन की क्वालिटी अच्छी नहीं है। फोन तुम्हारा आ गया छोटू कह रहा है 256 GB का लेना, 128 GB का चाहिए। छोटू कौन? साहब। अच्छा क्या कह रहे हैं लक्ष्य वाले जी मेरे लिए? वो कह रहे हैं 256 GB का चाहिए तो 1.5 महीने बाद आ जाएगा। हाँ 128 का चाहिए तो घर में आ रहा है। नहीं नहीं मैं 128 से ही काम चला लूंगी अभी तो। थैंक यू। 128 GB तुम्हारा आ गया, वहाँ से लेके आ घर से। तो तुम जाओगे लेने के लिए? हाँ मेरी घड़ी भी आ रखी है। ओह तुम्हारी घड़ी भी मंगाई है मतलब? चलाक कितना चलाक। क्या 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 फ्री में दिए क्या तेरे भाई ने? पैसे दिए हैं तो फिर फ्री में बांटेगा वो गिफ्ट बेचारा। तुम दहेज लोगे? ये दहेज लेना चाहते गाइस, देखो ये दहेज दहेज लेना चाहते हैं। और ये देखो अंदर आ गई क्योंकि गर्मी बहुत है। और ये बिल्ली से कुत्ता जो है ना प्यार नहीं करने दे रहा। क्या 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 पानी भी नहीं मिलने दे रहा। इससे बात करना क्या होता है? इससे इससे बात करो तो अपने पैसे खर्च करवाओ बस। लड़ाई करके ज़्यादा बढ़िया था, मुझ जगह कोने बैठी है तो ज़्यादा बढ़िया है। बिल्कुल मांगती नहीं है ना। अरे थोड़ा आवाज तो बंद कर दो, आवाज पीछे से बहुत तेज आ रही है। और ये देखो ये यहाँ पे लगी है, इस कमरे में बैठना पड़ रहा है क्योंकि बाहर बहुत गर्म है। यहीं पे बहुत अच्छा वाला फील आ रहा है। और वैसे भी दिल्ली में कल से बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है। तो गाइस इसी के ब्लॉग का एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी बजाइए सो दैट आपको जो मेरा वीडियो है वो आपको टाइमली मिल जाए। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने जो भी वीडियो ब्लॉग डालूंगी वो 12 बजे रख के टाइम पे ही डालूंगी सो दैट वो टाइम ऐसा होता है कि मैं एडिटिंग वगैरह कर चुकी होती हूँ तो फ्री टाइम होता है तो तब मैं अपलोड करती हूँ। तो आप लोग जरूर चेक कीजिएगा और जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय नाना बाय बाय करो बाय।